नमस्कार बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से अलग रहने की भारत की रणनीति से इसके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। साथ ही चीन को पटकनी देने में भी भारत ने बहुत सोच समझकर इससे हटने का फैसला किया था। इससे भारतीय कारोबारियों को फायदा होगा। RCEP में 10 आसियान देशों सहित चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 15 नवंबर को हस्ताक्षर कर दिए, जो कि COVID-19 महामारी की स्थिति में इन सदस्य देशों का आर्थिक रिकवरी का विश्वास बढ़ाने, क्षेत्रीय उद्योग और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए लाभदायक होगा। हालांकि इससे भारत के हटने का असर यह होगा कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने का अच्छा अवसर उसके हाथ से निकल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अमृत योजना के तहत उत्तर भारत का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 13 नवंबर 2020 को 200 करोड़ रुपए का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक यह इशू 225% ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। 100 साल वाला बॉन्ड 8.5% के कूपन रेट पर बंद हुआ। यह रिकॉर्ड है और खासकर कोरोना वायरस महामारी के दौरान यह एक बड़ी उपलब्धि है। क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी अब पोल्ट्री फार्मिंग के कारोबार में उतर चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने रांची स्थित अपनी ऑर्गेनिक पोल्ट्री यूनिट्स में फार्मिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2000 से ज्यादा ब्लैक कड़कनाथ चिकन ब्रीड मंगवा रहे हैं। पोल्ट्री फार्म को यह ऑर्डर 15 दिसंबर तक पूरा करना है। बता दें कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थंडला ब्लॉक के रहने वाले विनोद मेधा को इसका ऑर्डर मिला है। खाद्य तेल बनाने वाली कंपनी रुचि सोया में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे। पतंजलि आयुर्वेद के ओनर स्वामी रामदेव ने कहा है कि अगले साल कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाएगी। रुचि सोया को पिछले साल दिसंबर में पतंजलि ग्रुप ने दिवालिया प्रक्रिया के तहत 4,350 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। कंपनी ने कहा था कि सेबी के नियमों के मुताबिक प्रमोटर्स 10% हिस्सेदारी जून 2021 तक और 25% हिस्सेदारी 36 महीनों में कम करना होगा। वर्तमान में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 98.90% और पब्लिक की हिस्सेदारी 1.10% है। डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की दिशा में सरकार ने पहला कदम उठाया है। ऐसी कंपनियां जिनमें विदेशी निवेश 26% से ज्यादा है, उन्हें कम करके इसे 26% पर लाना होगा। इसके लिए सरकार ने अगले साल अक्टूबर तक का समय दिया है। जानकारी के मुताबिक डिजिटल मीडिया कंपनियां जो समाचार और करंट अफेयर्स के सेगमेंट में शामिल है, उन्हें इसका पालन करना होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इस तरह की कंपनियों को भारत के विदेशी फंडिंग के नियमों का पालन करना होगा। आदेश के मुताबिक जिन कंपनियों में 26% से ज्यादा हिस्सेदारी होगी, उन्हें इसे कम करना होगा। नवंबर के पहले हाफ में देश में बिजली खपत 7.8% बढ़कर 50.15 बिलियन यूनिट्स पर पहुंच गई है। इससे देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत मिलता है। बिजली मंत्रालय के डेटा से यह बात सामने आई है। डेटा के मुताबिक एक साल पहले समान अवधि में 46 बिलियन यूनिट्स बिजली की खपत रही थी। नवंबर 2019 में कुल 93 बिलियन यूनिट की खपत रही थी। जानकारों का कहना है कि आधे महीने के डेटा से स्पष्ट संकेत मिलता है कि बिजली खपत में लगातार तीसरे महीने ग्रोथ दर्ज होने जा रही है। शॉपिंग मॉल की लॉन्चिंग पर भी कोरोना वायरस का बेहद बुरा असर पड़ा है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड रॉक रिटेल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस साल अब तक देश भर में सिर्फ 5 मॉल का ऑपरेशन शुरू हो पाया है। महामारी शुरू होने से पहले पूरे देश में इस साल 54 मॉल शुरू होने का अनुमान जताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 5 नए शॉपिंग मॉल गुड़गांव, दिल्ली, लखनऊ और बेंगलुरु जैसे शहरों में खुले हैं। फिच सॉल्यूशंस ने कहा है कि सरकार द्वारा घोषित हाल के राहत पैकेज से आर्थिक ग्रोथ को सहारा मिलेगा। आने वाले तिमाहियों में रोजगार, कर्ज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार के चलते इकोनॉमी में सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन वास्तविक वित्तीय प्रभावों का पता लगाना मुश्किल है। अपने बयान में फिच सॉल्यूशन ने कहा है कि आने वाले तिमाहियों में देश की इकोनॉमी में सुधार को सरकार द्वारा घोषित योजनाओं से सहारा मिलेगा। उदाहरण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत 10 सेक्टर्स को अगले 5 सालों में 1,00,000 करोड़ रुपए की सहायक राशि दी जाएगी। इसका प्रभाव भी वित्त वर्ष 2021-22 से दिखाई देगा। भारत में कुल ईंधन खपत में डीजल की हिस्सेदारी 40% की है। इसे आर्थिक सुधार का मापदंड भी माना जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेटा के मुताबिक नवंबर माह में पिछले साल की तुलना में डीजल बिक्री 5% घटी है। इससे पहले अक्टूबर में 8 महीनों बाद पहली बार बिक्री में बढ़त देखने को मिली थी। सोमवार को जारी डेटा के मुताबिक नवंबर के पहले हाफ यानी 15 दिन तक डीजल बिक्री 5% घटकर 2 मिलियन टन रही। पेट्रोल की खपत भी 1 मिलियन टन रही। दूसरी ओर आज देश में 45 दिनों बाद भी डीजल पेट्रोल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।